नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में 9th एनुअल क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड इको कार्डियोग्राफी अपडेट्स 2022 का आयोजन हुआ। डॉक्टर साजिद अंसारी और डॉक्टर आर के गोखरू से हम बात कर चुके और अब बारी है जाने माने सुप्रसिद्ध सुविख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी एस नारायण से बात करने की। नेशनल वॉच ने डॉक्टर नारायण से बात करते हुए हृदय रोगों से बचाव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और दूसरी कार्डियोलॉजी में क्या एडवांस हुए हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नारायण से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के तहत ये अपडेट हो रही है और जिसमें सब नई नई बातें, जो नए नए इलाज हैं उनका, हार्ट के उसका डिस्कशन हो रहा है और हम लोग सब कॉन्स्टेंटली, जितने भी फिजिशियन हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर पा रहे हैं। लेकिन बेसिक मुद्दा यह है कि इतने भी एडवांसेस हो जाएं ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हिंदुस्तान में जहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे नहीं पे करती हैं, तो वहाँ प्रिवेंशन बहुत सारी बातें डॉक्टर गोखरू साहब ने आपको बताई। तीन चीज़ें जो मुझे याद आ रही थी वो ये थी कि सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, कि जो एटमोसफेयरिक पॉल्यूशन है, आजकल बड़ा थ्रस्ट है कि ये जो हमला का जो इंडेक्स आपका ख़राब हो रहा है हवा का, कोई भी वजह हो, एयर कंडीशनर्स हैं, आपकी कारें हैं, आपकी फसल जलाई जाती है, पराली है, उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ रही है। हम लोग पहले समझते थे कि सिर्फ फेफड़ों पर ही असर करती हैं, लेकिन हार्ट अटैक का भी एक इम्पॉर्टेंट वजह निकल के आ रही है और इसको भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं अपने घर में एयर प्योरीफायर्स लगा दीजिए, ताकि जो एयर आप बाहर से आ रही है गंदी, उसको हम लोग प्योरीफाई कर लें कुछ हद तक और इतना वो नुकसान न दे। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी वो ये थी कि खाने पीने का जब जिक्र होता है तो हम लोग ये आदत बना लिए कि हमको तीन वक्त खाना खाना है। अगर हम ये आदत छोड़ दें और हम ये कहें कि हमको जिस वक्त भूख लगती है तभी खाएंगे, सूक्ष्म आहार जिसको हम लोग कहते हैं, कम खाएंगे, तो हमारा हृदय जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगा। तीनों वक्त खाना जरूरी नहीं है। दूसरा यह है कि अगर आप मान लीजिए तीनों वक्त खाना खाते भी हैं, रोज आपको खाने का शौक है, तो हफ्ते में दो दिन अगर आप उपवास कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, तो फास्टिंग से भी आपका सिस्टम जो है वो ठीक होता रहता है। और ये दिखाया गया है कि जो ऋषि मुनि बहुत ज्यादा फास्टिंग करते थे और बिल्कुल अनाज छोड़ देते थे, पानी भी बहुत लिमिटेड मात्रा में पीते थे, बीच में कभी कभार फल खाते थे, तो उनकी जो नसों में ऑब्स्ट्रक्शन होता था, जो उनकी कहते ना हजार साल जी गए, तो उनकी लॉन्गेविटी बढ़ती थी, बिकॉज वो फास्ट करते थे, वो उपवास करते थे और जो कंजम्पशन है कार्बोहाइड्रेट्स का है वो सब तक कम रहता था। स्ट्रेस का फैक्टर तो है ही है आजकल के ज़माने में, और जब हम कल ज़माने की बात करते हैं तो हमें कोविड का भी ध्यान आता है। कोविड ने भी बहुत हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस बढ़ाई थी और अब फिर आ रही है चौथी वेव, हम लोग सुन रहे हैं कि आ रही है। तो कोविड में शुरू में तो हम समझते थे कि फेफड़ों पे जो है वो सिर्फ वायरस का असर होता है, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि जो दिल की नसें हैं, कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उसमें भी क्लॉट बनने की टेंडेंसी कोविड से हुई, और इसीलिए खून पतला करने की दवाएं जब आई और उनका इस्तेमाल शुरू हुआ तो कोविड से जो लोग मर रहे थे उनकी इंसिडेंस कम हुई। तो कोविड में दौरान भी आपको ध्यान रखना है, योग करना है, बहुत सी योग क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिससे आप अपना जो थ्रोम्बोसिस होने का चांस है उसे कम कर सकते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें थी जो मुझे ध्यान आई कि जो डॉक्टर गोखरू साहब ने बताई 6-6S बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा अच्छा जी। डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं? देखिए, कार्डियोलॉजी तो बाकी सब स्पेशलिटीज की तरह आगे बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजी में अगर हम सोचें कि हम शुरुआत करते हैं पेसमेकर, तो पहले जैसे पेसमेकर आते थे कि हम खाल के नीचे लगाते थे और तार के जरिए से हार्ट में तार जाता था और उसको चलाते थे, अब लीडलेस पेसमेकर आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में है, उसको हार्ट में डाल दिया गया और वहां कोई तार की जरूरत नहीं है, वो चलता रहता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस तो उसको निकाल तो नहीं सकते, दूसरा डाला जाता है, तो ये एक लीडलेस पेसमेकर है। दूसरी यह है कि हार्ट फेलियर में भी पेसमेकर का एक रोल आना शुरू हो गया है। अगर किसी का हार्ट जो है वो 35% से कम कर रहा है, किसी की सांस बहुत फूल रही है, किसी को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ECG में, तो हम लोग CRT कहते हैं उसको, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जिसमें पेसमेकर के जरिए से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सामान्य किया जाता है और लॉन्गेविटी भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ वो एक डिफिब्रिलेटर भी लगाया जाता है
जिसको हम लोग आईसीडी कहते हैं, और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं सीआरटी और आईसीडी तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बो डिवाइस। तो ये एक नई चीज हम लोग कह रहे हैं। जब हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं तो अब टाइम ये आ रहा है कि हम लोगों ने ये देखा कि एंजियोग्राफी में जो डाई डाली जाती है उससे गुर्दे पे खराब असर होता है, और हमारे बहुत से मरीज होते हैं जो डायबिटिक होते हैं जिनके गुर्दे में भी खराबी होती है, लेकिन उनका एंजियोग्राफी करना जरूरी है। तो बगैर डाई के भी एंजियोग्राफी की जा सकती है इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से और नई टेक्निक से। तो ये एक है कि बगैर डाई डाले भी या बहुत कम से कम डाई डाल के भी आप जो है एंजियोग्राफी कर सकते हैं। स्टेंट्स की जहां तक बात है, स्टेंट्स तो रोज नए नए आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेंट्स जो है वो बहुत महीन होते जा रहे हैं। पहले थोड़े मोटे किस्म के स्टेंट आते थे जिसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती थी, अब बहुत महीन दर्जे के स्टेंट्स बनने लगे हैं जिसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी कम रहती है और उनकी लाइफ भी इंसान की ज्यादा रहती है। तीसरी चीज यह है कि बीच में वो आया था कि हम ऐसा स्टेंट लगाएं जो घुल जाए, और वो स्टील का है या कोबाल्ट क्रोमियम का है तो वो तो पड़ा रह जाता था नस में, लेकिन हम ऐसी चीज का बनाएं कि जो कुछ दिनों बाद जब स्टेंट का काम खत्म हो जाए 3 महीने में तो वो साल 2 साल में गायब हो जाए। बीच में ये देखा गया कि नहीं, ये कारगर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब फिर से उनका रिवाइवल हो रहा है, फिर से ऐसे बन रहे हैं और हिंदुस्तानी कंपनीज आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी कंपनी भी अब ऐसे स्टेंट बना रही हैं जो घुल जाते हैं और जो भी पतले होते हैं, महीन होते हैं, और वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लास्ट, अगर कैल्शियम बहुत जमा है कॉर्नरी आर्टरीज में तो एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम गुब्बारे से पल्सेस देते हैं, अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं ताकि वो कैल्शियम क्रैक हो जाए। अगर नस में कैल्शियम बहुत जमा है तो स्टेंट डालना बहुत मुश्किल होता है या उसमें गुब्बारा फुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कैल्शियम को क्रैक करने के लिए बलून आए हैं जो हाई प्रेशर से पल्स देते हैं, जिसको हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं। जिस तरह से गुर्दे के हम लोग स्टोन तोड़ते थे उसी तरह से इसको भी तोड़ सकते हैं। एक और इशू है कि आता है कि भाई हमारा जो पेशवो है, वाल्व है, जो वाल्व की खराबी है उसको हम लोग पहले ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती थी, वाल्व बदले जाते थे। अब टेक्निक आ गई है कि आप पैर के जरिए से चारों वाल्व जो है आपके बदले जा सकते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस कैथेटर वैल्वुलर रिप्लेसमेंट। चीरा नहीं लगाना पड़ेगा, गुब्बारे के ऊपर वाल्व चढ़ा है, यहाँ से पैर की नस में से आपने वायर को डाला, गुब्बारा उस पर चढ़ाया, उसके ऊपर वाल्व चढ़ा है, और जो सुखड़ा हुआ वाल्व है उसके ऊपर जाके आपने उसको फुला दिया तो वो वाल्व नॉर्मल हो जाता है। तो इसके भी ये नई टेक्निक आई है। और जो चार वाल्व होते हैं, पहले एक वाल्व से शुरू किया था एओर्टिक वाल्व से, लेकिन अब मिट्रल में भी यूज हो रहा है, पल्मोनरी में भी हो रहा है, और ट्राइकस्पिड में भी हो रहा है। तो ये कुछ नई चीजें हैं। वैसे हैं तो बहुत,